रंगीली बिछौड़ी है, जरा आंखों में लगा ले कहां जला नजर लागली। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आज मैं बहुत ज्यादा लेट उठा क्योंकि मैं कल सुकून की नींद सोया, बिकॉज मेरे चैनल का जो मोनोटाइज है वो ऑन हो चुका है। अब मेरे चैनल में आप ऐड देख सकते हो, तो ये सिर्फ आप लोगों की दुआ, आपके प्यार से हो पाया। और आपको बता दूं, मैं YouTube पे पिछले एक मंथ से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरी वीडियो डालता था और 6 महीने के लिए मैं YouTube नहीं चलाता था, तो थोड़ी सी दिक्कत आई मेरे को YouTube पे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube में मैं अपनी वीडियो नहीं डालता था, मैं दूसरों की वीडियो चुरा के डालता था, जिस कारण मेरे चैनल पे 3-3 कॉपीराइट आई और मेरा चैनल बंद हो चुका था। फिर ऑन हुआ, फिर YouTube से एक मैसेज आया कि आप अपनी वीडियो डालें, किसी दूसरे की वीडियो मत डालें। तब से मैंने अपनी वीडियो डालना स्टार्ट किया और मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले मेरे मोटिवेशन वीडियो देखते होंगे, अब ब्लॉग देख रहे होंगे, तब उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपना ब्लॉग ही चलाऊँगा इस चैनल पे। तो व्यू बहुत कम आ रहे, लेकिन धीरे धीरे मेरे को रिस्पांस मिल रहा है। मेरी एक वीडियो मैंने ब्लॉग बनाया था जिसमें मेरे कम से कम 4,000 व्यू हो चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरे को एडसेंस में अकाउंट बनाना है, गूगल एडसेंस, जिसमें मेरे को पैन कार्ड, मेरा बैंक का डिटेल्स मांगा है। तो कुछ समय के बाद मेरे को यूट्यूब से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और ब्लॉग देखते रहे। थोड़ा सा मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा तो क्लियर नहीं आ पा रहा होगा वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। यह है, पीछे दिख रहा होगा गांव का नज़ारा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, वीडियो देखते रहिए। आज की ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, देखते रहिए। कैसे हो आप लोग? तो ये मेरे गांव के सुबह सुबह का नज़ारा। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। हाय हाय, क्या नज़ारा है। तो देख सकते हो पार्क कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देरो मेरो साथ जागरिए, और पानी को दिया और यहाँ से धूप निकल रही है और पार आ चुकी है धूप। सुबह सुबह का ना, कल बारिश बहुत तगड़ी हुई थी गांव में। और ये है मेरा आड़ू का पेड़, ये संतरे का, और ये पुराना घर मेरा। भूलू मैं ते तू है जा, तू धूप को आ चल, ये नया घर यो गंगाड़, ये अखरोट का पेड़ सुन यो गंगाड़ कर मड। ऐसा नजारा मेरे बगीचे के माल्टा अभी लगे हैं, कुछ समय के बाद ये पकने स्टार्ट हो जाएंगे। हरी सब्जी और मिर्चन उड़ा रही हूँ, काकड़। ये है छोटी ककड़ी, इसको अपना बलिदान देना पड़ेगा क्योंकि इसका बना रहे हम रायता। इसको ऐसे घुमाते हैं फिर निकाल दें। ककड़ी नहीं लगी इस बार हमारे गांव में, क्योंकि यहां पे हनुमान जी ने आक्रमण किया पहाड़ में, टूट नहीं रहा है। और ये टूटी, इसका हम बनाएंगे सुबह सुबह रायता। इनको बोलते हैं धरूड़। एक ककड़ी वो लगी है, देख सकते हो आप। तो जाता हूँ किचन में, बनाता हूँ रायता इसका। बगीचे में तोरी, इसकी सब्जी खा के पक गया हूँ। ये है उसका पेड़, ये है माल्टे,
धूप लगी है, बाहर धूप आ गई। कढ़ी को आप बनाते हैं, सकते हो दोस्तों। आधे हो चुके हैं, आधे और बचे हैं। ये रही दही और ये मसाला, फिर बनाएंगे हम आगे। ये हो चुका है दोस्तों, अब इसमें बनाएंगे मम्मी। ये मैं बोलूँ ये डबल ना, अब इस डिब्बे में हम बनाएंगे हम। पहले सबसे पहले हम पूरा दही डाल दो। ये डाली हमने दही, अब इसको हिलाएंगे। ये वाला हो जाएगा। ये बनाया हमने बेटा घोल। नीचे शहर में दही 22 रुपए की डिब्बी मिलती है, कुछ भी नहीं होता। डाल रहा हूँ मैं, हम डालेंगे ककड़ी। ये डाला, खाने में कितना मजा आएगा मेरे को ही पता है। मम्मी सिखा रही है मेरे को कि ऐसे ऐसे कर। अब इसको हिला देंगे। मेड बाय मी, मैंने बनाया है, सब सीखना वाले काम में खाओगे। अभी ये बनी मेरी रायता बन गया। ये बता सकता है क्या ये है? लस्सी मट्ठा, जिसे हम पहाड़ी में बोलते हैं छह। ताज़ा बनाया अभी। और ये बने हैं आज के पराठे, रायता इसके साथ पराठा और साथ में मट्ठा। ये है सुबह सुबह का खाना हमारे गांव का, है मट्ठा। शहर में पैकेट लेना पड़ता था, तब जाके पानी डाल के पीना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे बहुत पी चुका। जैसे खुशियाँ भी होती है, खुशियाँ इसको खा के ना हालत खराब हो जाती है। ये छोटा सा कितने दिन हो रखे मोहित इसको? एक महीना कहाँ हो रखा है यार? एक महीना हो चुका है इसका। नाम क्या रखा इसका? इधर देख, ये है इसकी माँ। गांव में धूप आ चुकी है, इसको कितने दिन हो रखे हैं? इसको भी 30 दिन हो रखे। गांव में ही चलता है यार, तो जा रहे हैं हम नीचे। ये है हमारा गौशाला, इसको भी 30 दिन हो रखे। ये केले के पेड़, ये है कद्दू, खा के थक गया। यह है गांव का नजारा, कद्दू। ये आई मोनिका खेत से आ रही, क्या करने गई थी? बल जोतते। बल जोतने तोड़ना बोलते हैं। तेरे पापा कहाँ हैं? कद्दू। और आपको बता दूं, और दिनेश दा, ये है पूल। कल जीत गई तुम्हारी दिल्ली, आड़ू का पेड़। चेन्नई हारी,
ये मिर्ची के पेड़ है। ए, हमारे लाला जी दिनेश लाला निंदा हेलो कर दो ये हरीश उनके लड़के ये हाजुरी हाजुर ये इधर देख अब शर्मा क्यों रहा भाई लड़की है क्या तू ये ऐसी शर्माता है। ये हैं गांव के लड़के खेत जोत के आ रहे हैं वो देखो पराव हकोना घर भैया लेकिन डेली पान लागो हकोना सही को और यह पॉली हाउस सुंदर सा नजारा मेरे गांव का माया मेरो दानपुर की कहो तेरे पापा नाम क्या हो है सब ओए तेरे पापा नाम क्या हो बता बता मम्मी है ना तेरे पापा का नाम क्या है ये देखो डर रहे तू बता दो इंट्रोडक्शन देता हूँ तेरा अच्छी आ रही है यहाँ पे क्यूट मम्मी का नाम क्या है खष्टी देवी पापा का नाम खीम सिंह टाकली और अम्मा का नाम बैजोड़ी हाथ लबे रमोती देवी तेरे चाचा का नाम जोर से बोल चाचा। अच्छा तेरा सबसे अच्छा गाना कौन सा है सुना होना है क्या गाना होना तेरे होना चल तू होना पे तो क्या कहो है तू कंपनी स्कूल वीडियो देखने के लिए यूं ही प्यार बरसाते रहिए और जो भी पहली बार रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना हरीश क्या करना चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच लव यू।